नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है पॉल सैपल कौन था? क्या आपको पता है कोलोन डिग्निलेट के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं आपको एक छोटी सी समरी बताऊंगा इनके बारे में। हाय, मेरा नाम है क्रिस और मैं आज आपको पॉल सैपल और कोलोन डिग्निलेट के बारे में एक छोटी सी समरी बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम अपने भारत के राम रहीम को ले सकते हैं। ऐसे ही थे हमारे पॉल सफर। पॉल सफर क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करते थे। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। पॉल सफर का फुल नेम है पॉल सफर स्नाइडर और उनका जन्म 4 दिसंबर 1921 बोन जर्मन में हुआ था। उनका फैमिली इतना रिच तो नहीं थे, लगभग ठीक ही थे और बचपन में एक बार खेलते वक्त उनकी दाई आंख कांटे चुभने से खराब हुई थी और उस वक्त से वे अपने दाई आंख प्लास्टिक के लगाया करते थे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उन्होंने YMCA संगठन में भाग लिया था। YMCA का फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएट। इनका काम था कि नाजी जर्मन आर्मी लोगों की मदद करना जो युद्ध में घायल हुए थे। पॉल सफर चिली आने से पहले जर्मन में मिशनरी चलाते थे, मगर दो बच्चों की माओ ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया था और वहीं से भागकर 1961 में चिली आए थे अपने कुछ फॉलोअर के साथ। लगभग 300 जर्मन थे और उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। लगभग 100 बच्चे तो गुमनाम थे। चिली के साउथ सेंटिको के पास 340 किलोमीटर के अंदर में उन्होंने कॉलोनी डिग्निडेड बनाया था चिली गवर्नमेंट के साथ मिलकर। जब 1973 में मिलिट्री कॉप हुआ था तो पॉल सफर ने बहुत मदद की थी अगस्तो पिनोचेट स्मगलिंग, उनके विरोधी को मारने, टॉर्चर करने और बहुत कुछ। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। हाँ, मुझे एक बात पता है कि मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करने के लिए। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें और लिखिए नेक्स्ट पार्ट। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उसके बारे में।